एक्सप्रेस की ओर। राजस्थान के होंगे तो 2024 में दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई देंगे। अमित शाह ने कहा कि 10 साल तक यूपीए सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया। 10 साल की सरकार में सिर्फ राजस्थान को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल में 8,00,000 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता को दिए हैं। अमित शाह ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत जादूगर हैं, उन्होंने जादू से राजस्थान से बिजली गायब कर दी, महिलाओं की सुरक्षा गायब कर दी, गहलोत ने बिजली महिला सुरक्षा गुम कर दी है। अमित शाह ने सभा के बाद परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। यात्रा के पहले दिन 115 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 84 विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम होगा। बीजेपी इस यात्रा के माध्यम से आदिवासी अंचल की 28 सीटों को साधने का प्रयास करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भगवान कामतानाथ की नगरी चित्रकूट से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को बनगवा ब्लॉक के मिचकुरीन गांव में आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेपी नड्डा ने यात्रा को रवाना किया। इससे पहले जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भगवान कामतानाथ जी के दर्शन कर और पूजन अर्चना की। इसके बाद सभी कार्यक्रम में पहुंचे। यात्रा
प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय ट्रेनिंग बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। इसी तरह से इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूलों को भी सम्मिलित किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापा मारने के बाद सियासत गरमाई हुई है। इस मौके पर लेंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि हरक सिंह रावत जिस भी विभाग में रहे उनका विवादों से नाता रहा और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, वो सरकार को कुछ नहीं समझते हैं। उन्होंने मामले में सरकार से जांच की मांग की है। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करेंगे संगम एक्सप्रेस की ओर। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामले लगातार नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्लेटलेट की कमी ब्लड बैंकों में बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू के बढ़ते मामलों और प्लेटलेट की जरूरत को देखते हुए ब्लड डोनेट कैंप लगाया है। यूपी के औरैया जनपद में अज्ञात कारणों के चलते हीरो बाइक एजेंसी और कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की उठती भीषण लपटों से क्षेत्र में हड़कंप मच गए। एजेंसी और कपड़े के गोदाम में आग लगी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है, हालांकि अभी तक आकलन नहीं किया गया है। बहराइच में हजारों शिक्षा मित्रों ने पैदल और बाइक से मार्च निकाला, जिसके बाद सांसद आवास पहुंचकर बहराइच के सांसद अक्षयवर लाल गोंड को केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। सांसद अक्षयवर लाल गोंडा ने कहा कि शिक्षा मित्रों की मांगे यथोचित हैं, जल्द ही इनकी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखकर इन पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मित्र समिति के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीलीभीत में खड़ी पिकअप से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल हो गए। हादसे के दौरान ऑटो कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। थाना सेदामऊ उत्तरी की गढ़वा चौकी की घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में अमित नाम के बदमाश को गोली लग गई। गोली लगने के बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। सेंट्रल नोएडा ADCP राजीव दीक्षित ने बताया कि बदमाश के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 4 मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की है। इसके अलावा आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य योगेश डबरा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जारचा कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए योगेश डबरा की 36 दुकानों को गुंडा एक्ट के तहत सीज कर दिया है। योगेश डबरा के खिलाफ कार्रवाई की गई। दुकानों की कीमत 5,40,075 रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि योगेश डबरा पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का अधिकारियों का ये कहना है कि बदमाशों के खिलाफ ये आगे कार्रवाई भी जारी रहेगी। कानपुर देहात में एक बार फिर से मडौली कांड होने से चल गया। मंगलपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गाँव में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगने से झोपड़ी में
किया गया, जहां पर दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का है। अमेठी के किसानों को काशी चला किसान कार्यक्रम के तहत काशी भेजकर स्मृति ने दीदी होने का फर्ज निभाया। स्मृति की पहल पर काशी में खेती किसानी के नए तरीके सीखेंगे अमेठी के किसान। आधुनिक तरीकों से लैस होकर किसान बढ़ाएंगे अपनी आय। इसके अलावा हरदोई पुलिस ने समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया। समस्त थाना क्षेत्रों से 218 अवैध शराब के व्यवसायी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 5000 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 25 शराब बनाने की भट्टियां नष्ट की गई हैं। हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पुलिस लाइन में मामले की पूरी जानकारी दी। दिल्ली के केशवपुर सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट अजय चौधरी की हत्या सहित कई मामले में फरार चल रहे गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मुस्तफा त्यागी के रूप में हुई है। पकड़ा गया बदमाश सलमान त्यागी सद्दाम और गौरी गैंग का एक्टिव मेंबर है। इसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चमोली में जिला प्रशासन के पहल पर कर्णप्रयाग के छात्रों को ई लाइब्रेरी के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित ई लाइब्रेरी का काम अंतिम चरण में है। लाइब्रेरी में 4000 से ज्यादा पुस्तकें रखी गई हैं। इसके साथ ही तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर छात्रों को वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 568 संविदा स्वास्थ्यकर्मी बर्खास्त किए गए। 21 अगस्त से हड़ताल पर थे सभी संविदा स्वास्थ्यकर्मी। प्रशासन ने काम पर लौटने का नोटिस जारी किया। दो बार जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया। काम पर नहीं लौटने से कलेक्टर ने एक्शन लिया। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। कांकेर में 568 संविदा स्वास्थ्यकर्मी बर्खास्त किए गए। रामनगर में पुलिस ने 20 साल के एक युवक को देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कौशाम्बी में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल वैन सवार करीब 12 बच्चे घायल हो गए। दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिनको डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने 134 एकड़ खास महल की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित दुकान मकान और अन्य तरह के प्रतिष्ठान मालिकों को भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया। 239 लोगों को अवैध रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में नोटिस जारी होने के बाद शहर के समाज सेवी भूमिया नेता और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चतरा पुलिस लगातार तस्करों के विरुद्ध अभियान चला रही है, लेकिन तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार फिर चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के गुप्त सूचना के बाद उसके आधार पर 9 बोरा डोडा बाइक व कार के साथ एक इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर दमकल का दस्ता पहुंचा और आग पर काबू पाया। दमकल के दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। दिल्ली के तिलकनगर इलाके में आग लगी। आईसीआईसी बैंक परिसर में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। आग से काफी नुकसान का अनुमान लगाया गया है। बुलंदशहर में बीबी नगर थाना पुलिस ने 2.5 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार से अंग्रेजी शराब के 472 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक तस्कर का नाम सुनील कुमार है, जो हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसी के साथ संगम एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।